السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. चले शुरू करते हैं. हमारा आज का जो मौजू है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. उस पर आप जितनी गुफ्तगू करें, आप सुने जितनी गुफ्तगू, दिल नहीं भरता और सीखने को इतना कुछ है. इवन के मैं जब इस वेब टॉक के अपने पास नोट्स तैयार कर रहा था तो मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैं क्या चीजें छोड़ूं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप जब टॉपिक तैयार करते हैं तो आपके पास एक लिमिटेड वक्त होता है, तो उसमें फिर आपको ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि अच्छा यार ये भी काम का पॉइंट है, ये भी काम का पॉइंट है, तो इसको छोड़ दूं, फिर इसको भी छोड़ दूं. तो बहरहाल अल्लाह ताला से मैं तौफीक की दुआ मांगता हूं कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं वो तमाम नुकात जो मैं सोच कर आया हूं उन पर बात कर सकूं. फिर अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में उन तमाम चीजों को वैल्यू बनाकर हमें ऐड करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जिंदगी में खूबसूरती आ जाए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुनहरे उसूल जो उन्होंने हमें सिखाए हैं अपनी अमली जिंदगी से. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब गए थे, जब इसरा हुआ मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो सातवें आसमान पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी एक नबी के साथ. कौन से नबी थे वो? वो नबी थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम. और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ कन्वर्सेशन हुई, कुछ मुकालमा हुआ. उस मुकालमे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप वापस जाए ना तो अक्री उम्मत का मिन्नी अस्सलाम, अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहना, तो मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये सलाम आप तक पहुंचा रहा हूं. ठीक है, क्योंकि मैंने हदीस पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सलाम पहुंचाया, तो ये सलाम मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम. आप देखेंगे हमारा कनेक्शन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कैसा है कि वो आसमानों में होने के बावजूद हमें सलाम भेजा उन्होंने. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह. ये उनकी मोहब्बत थी, मोहब्बत थी अल्लाह के बंदों के साथ. ठीक है, तो और अब ये देखिए कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर एक राज की बात बताई. राज की बात क्या थी? राज की बात यही थी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखबिरहुम, आप उन्हें बता दे, अन्नल जन्नता तीबतुत तुरबते, जन्नत की जो मिट्टी है बड़ी खुशबूदार है, वह अजबतुल माए, जन्नत का पानी बड़ा मीठा है, वह अन्नहा क़ियानुन, लेकिन एक चटियल मैदान है, एक स्मूथ सरफेस, वह अन्न गिरासहा, लेकिन इसके जो पौधे हैं, इसमें जो पौधे लगाए जा सकते हैं, इसमें जो पौधे लगाए जा सकते हैं वो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, कि आपकी उम्मत जितना ज्यादा एहतमाम करेंगे ये वाले अस्कार करने का, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर जितना ज्यादा पढ़ेंगे तो जन्नत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला उनके लिए ये पौधे, ये दरख्त लगाना शुरू कर देगा. तो जन्नत की जो सरसब्जगी और शादाबी है और उसके अंदर जो ये लहलहाते दरख्त लगेंगे ये हमारा जिक्र. तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमें ये राज की बात बताई कि इस दुनिया में जितना ज्यादा हम जिक्र करेंगे उतनी ज्यादा हमारी जन्नत मजीद खूबसूरत होती चली जाएगी. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि या खैरुल बरिया, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाका इब्राहिम, तो मुझे खैरुल बरिया मत कहो, खैरुल बरिया तो इब्राहिम थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर. तो खैरुल बरिया यानी दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत इंसान, द बेस्ट ह्यूमन काइंड ऑन द अर्थ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया अन सय्यदु वुल्द आदम, मैं हजरत आदम की औलाद का सरदार हूं, सरदार. लेकिन उसके बावजूद गर्चे के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली तौर पर फजीलत में सबसे आगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजजी थी,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाज़ो था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो हजरत इब्राहिम है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही लोगों को, अंबिया किराम को रिगार्ड किया करते थे और लोगों की तवज्जो फेरा करते थे। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स ये ना कहे कि यूनुस जो मछली वाले नबी थे मैं उससे बेहतर हूं, नहीं वो बेहतर आदमी था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत मूसा की अलग से तारीफ की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने अंबिया भाइयों के साथ एक गहरा ताल्लुक था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अव्वलु मन युक्सा यौमल क़ियामति इब्राहिम, क़ियामत के दिन आपने फरमाया जब लोग कब्रों से उठेंगे तो ना तो उनके पांव में चप्पल होगी और ना जिस्म पर लिबास होगा। लेकिन उस वक्त उस हालत में जो सबसे पहला शख्स होगा जिसको लिबास पहनाया जाएगा वो इब्राहिम अलैहि सलाम होंगे। अल्लाहु अकबर। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फजीलत, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हमसे एक ताल्लुक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गहरा ताल्लुक है। अच्छा, इस चीज को याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने हमें हुक्म दिया है कि लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमारे लिए खूबसूरत मिसाल मौजूद है। बिल्कुल इसी आयत की तरह एक और आयत सूरतुल मुमतहिना में अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने नाज़िल फरमाया कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिम, तुम्हारे लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत में बेहतरीन मिसाल और नमूना मौजूद है। तो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उस्वा है, मिसाल है, बिल्कुल इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हमारे लिए उस्वा और मिसाल है, एक मॉडल है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने उनको हमारे लिए एक मॉडल बनाया है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने हुक्म दिया वअनित्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरचे आप खातमुन नबीयीन हैं, गरचे आप रहमतुलिल आलमीन हैं, गरचे क़यामत के दिन सबसे पहली कब्र आपकी खुलनी है, आप सैयद वुल्द आदम हैं, हम्द का झंडा आपके हाथ में होगा, सबसे पहले जन्नत आपके लिए खुलेगी, आपकी उम्मत सबसे, आपकी फजीलत के क्या कहने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत के क्या कहने। उसके बावजूद फरमाया व अनित्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन, कि आपने हजरत इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करनी है। अल्लाहु अकबर। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से क्या मुराद है, आप इसे कोई मुझे बताएगा, आप बस चैटिंग चैटिंग आप मुझे लिखकर बताएं क्या आपको क्या लगता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से क्या मुराद है। और ये याद रखें, आप मुझे जवाब दें, मैं जब तक आगे बात बढ़ाता हूं इस चीज को समझें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी का हुक्म दिया है और हमें भी, ठीक है। अच्छा, सेक्रीफाइस या ये हो सकता है एक हिस्सा, सेक्रीफाइस मिल्लत इब्राहिम एक एक पार्ट हो सकता है, इट कुड बी द पार्ट ऑफ द होल मिल्ला। और नबी हजरत इब्राहिम का लाइफ स्टाइल, हाँ ये अच्छा बहुत मुनासिब जवाब है, बहुत मुनासिब जवाब है कि जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लाइफ स्टाइल था, अल्लाह के साथ ताल्लुक को देखें, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के साथ हजरत इब्राहिम का जो ताल्लुक था, जो कनेक्शन था, जो उनका सेक्रीफाइस था, ये सारी चीजें आप इंशाल्लाह जमा करेंगे तो आपको पूरी तस्वीर मिल जाएगी। ये कह सकते हैं द होल फ्रेमवर्क, ठीक है, जो उसूल हनीफियत, जो उसूल हनीफियत है, हनीफ कहते हैं यकसु होके, अ पर्सन हु वर्शिप अल्लाह सुबहानहू व तआला विद फुल फोकस, जो बंदा माइंडफुल के साथ, माइंडफुल होते हुए फोकस के साथ अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की इबादत करे, यानी वो शख्स हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक ये था कि उन्होंने बाकी तमाम चीजों को नीचे कर दिया, अल्लाह की मोहब्बत को सबसे ऊपर रखा, ठीक है। इस वजह से अल्लाह के नबी को भी ये हुक्म दिया कि आप हजरत इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करें। अच्छा, मिल्लत को मैं अगर समझता हूं ना, मुझे लगता है वो पूरा फ्रेमवर्क जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें सीखने को मिलता है, वो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो लाइफ स्टाइल था, जो उनकी सीरत थी, वो पूरा फ्रेमवर्क वो मिल्लत इब्राहिम है। हमें जो बतौर मुसलमान
हमें जो हुक्म दिया गया है, हमें बताया गया वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिन वत्तबअ मिल्लत इब्राहिम हनीफा वत्तखद अल्लाह इब्राहिम खलीला। उस शख्स से खूबसूरत दीन किसका हो सकता है जो तवज्जो करे अल्लाह की तरफ, फरमाबरदारी इख्तियार करे, एहसान करने वाली हालत में, और उसके बाद हजरत इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करे। और हजरत इब्राहिम तो फोकस के साथ अल्लाह की इबादत करने वाले थे, पूरी तवज्जो यकसुई के साथ। और अल्लाह ने इस वजह से कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह की इबादत करने वाले, इताअत करने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनकी तौहीद का झंडा बुलंद करने वाले थे, इसलिए वत्तखदल्लाह इब्राहिम खलीला, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को फिर अपना दोस्त बनाया, खास दोस्त खलील बनाया, खलीलुल्लाह बनाया। ये एक बहुत बड़ा ऑनर था, एजाज था, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। अब देखें, हम जब दुआ मांगते हैं, सुबह शाम की दुआओं में से एक दुआ ये भी है, अगर आप में से किसी को याद है तो वो रिलेट कर पाएगा, जिसको नहीं याद वो ये दुआ सर्च करें और अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। दुआ क्या है? दुआ है अस्बहना अला फितरतिल इस्लाम, हम सुबह करते हैं फितरत इस्लाम पर, वकलिमतिल इखलास, और इखलास जो इखलास वाला कलिमा है, ठीक है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर हम सुबह करते हैं। वाला दीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन पर हम सुबह करते हैं। आगे फरमाया वाला मिल्लति अबीना इब्राहिम हनीफा मुस्लिमन वमा कान मिन अल मुशरिकीन, और हम सुबह करते हैं जो मिल्लत इब्राहिम है, जो यकसुई के साथ उन्होंने इबादत की, वो इब्राहिम जो कि यकसु थे, जो कि हनीफ थे, और जो मुशरिकीन में से नहीं थे, हम उनकी मिल्लत की पैरवी में सुबह करते हैं। तो कितनी खूबसूरत दुआ है, हर रोज हम हजरत इब्राहिम के साथ अपना कनेक्शन रिन्यू करते हैं ये दुआ पढ़ते हुए। फिर एक और दुआ मांगते हैं जिसकी फजीलत, यानी जो शख्स वो दुआ मांगता है उसको अल्लाह ताला की 10 रहमतें उस पर नाजिल होती हैं। कोई गेस करेगा वो कौन सी दुआ है कि एक मरतबा कोई पढ़ता है 10 रहमतें अल्लाह की नाजिल होती है? गुड, जज़ाकिल्लाहु खैरा, दुरूद 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 दुरूद। सिस्टर उज़्मा का ये वाला जवाब भी बड़ा अच्छा था कि फुटस्टेप्स हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी। वेरी गुड सिस्टर, दुरूद सिस्टर बुशरा, माशाल्लाह। तो दुरूद जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम वाला आले इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद। एक एक मरतबा सब दुरूद पढ़ लें, 30 सेकंड है आप लोग के पास, चले देखे। तो हम इस दुरूद में क्या दुआ मांगते हैं? हम दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह, ए हमारे रब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद पर भी रहमत नाजिल फरमा। किस तरह? जिस तरह आपने अपने खलीलुल्लाह इब्राहिम पर रहमत नाजिल की है। और ए अल्लाह, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत उनको अता फरमा, उनको बरकत दे जिस तरह आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बरकत दी। ये बड़ी गहरी दुआ है, बहुत गहरी दुआ है, इसके पीछे इतनी हिकमत पोशीदा है। एक बात तो यह है कि इस चीज को समझने की जरूरत है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर इत्तेफाक है बहुत सारी कौमों का और मजाहिब का, हत्ता के यहूदी और ईसाई भी हजरत इब्राहिम पर झगड़ते थे। वो कहते थे कि इब्राहिम हमारे हैं, यहूदी कहते थे कि इब्राहिम हमारा है, ईसाई कहते थे इब्राहिम हमारा है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने फरमाया मा काना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा, वो तो हनीफ थे, यकसु होकर सिर्फ एक अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले थे। और आगे फरमाया कि हजरत इब्राहिम इन्ना औला الناس بابراهيم الذين اتبعوه, इब्राहिम उनके हैं जिनकी इब्राहिम, जो लोग इब्राहिम की पैरवी करते हैं, जो उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, इब्राहिम उनके हैं। इब्राहिम ना तो यहूदियों के हैं ना ईसाइयों के हैं, लेकिन आप देखें कि उनको कबूलियत मिली है, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहिम हम लोगों के लिए
और आपको इमाम मुकर्रर कर रहे हैं, इब्राहिम हम आपको इमाम मुकर्रर कर रहे हैं लोगों के लिए। अब लोग इन पर इत्तेफाक है, तो हम जो दुआ मांगते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाह हजरत इब्राहिम पर रहमत नाजिल फरमा और हजरत इब्राहिम को बरकत अता, हजरत इब्राहिम को जो आपने बरकत अता फरमाई है, हजरत इब्राहिम पर जो आपने रहमत नाजिल फरमाई है, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वैसी रहमत और उनको भी वैसी बरकत अता फरमा, ताकि बहुत ज्यादा लोग उनका कलमा पढ़े और वो इस्लाम में दाखिल हों। और इसके 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 और बहुत सारे पहलू बहरहाल मौजूद है। अब देखे ना कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बरकात में से, सुभान अल्लाह, एक चीज में पढ़ रहा था कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के आखिरी साल चल रहे थे, तो उस वक्त अल्लाह अज़्ज़वजल्ला ने उस बुढ़ापे में कि जब हजरत इब्राहिम और उनकी प्यारी बीबी अम्मा सारा अलैहिस्सलाम, जब उनको अल्लाह ताला ने हजरत इसहाक की खुशखबरी सुनाई, तो उसी खुशखबरी में एक और खबर ये सुनाई थी कि हम कौमे लूत को हलाक करने वाले हैं। तो कहां तो एक कौम की हलाकत, यानी उनको सफा हस्ती से मिटाया जा रहा था नाफरमानी की वजह से, ऑब्वियस सी बात है। वहीं पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद एक पूरा अनबिया का सिलसिला अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला ने चला दिया है, जो कि बनी इसराइल के अनबिया थे, सारे के सारे कहां से चले, हजरत इसहाक की औलाद में से, हजरत याकूब की औलाद में से, हजरत ईसा तक, यानी हजरत याकूब की औलाद में से। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि सबसे पहले नबी का नाम क्या है, हजरत इसहाक की औलाद में से या बनी इसराइल में से सबसे पहले, सबसे बनी इसराइल में से सबसे पहले नबी कौन थे, कौन जवाब देगा मुझे? और सबसे आखिरी तो आप सबको पता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। गुड सिस्टर उज़्मा, वेरी गुड। प्रॉफिट यूसुफ थे, क्योंकि इसराइल वो याकूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी नाम था, तो बनी इसराइल यानी हजरत याकूब की औलाद में से अगर कोई पहले नबी थे तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हमारे साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है, जो अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला ने हमें बता दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बता दी है कि एक शख्स आसमानों पर बैठकर हमारे लिए सलामती की दुआएं करता, अल्लाह अकबर, वो हमें जन्नत में दाखिले के राज बता रहा है, वो हमारी जन्नत को मजीद खूबसूरत करने के तरीके बता रहा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हम दुरूद पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह हमारे रसूल को हजरत इब्राहिम की तरह की बरकत और रहमत अता फरमाए, कनेक्शन है। अस्बहना अला फितरत इस्लाम, इसमें भी हम क्या करते हैं, हम दुआ मांगते हैं हजरत या अल्लाह हमें ना, तो हमने सुबह किया, हम इकरार करते हैं, हम इस बात का एक्नॉलेज करते हैं, इकरार करते हैं कि हम तो मिल्लत इब्राहिम पर चलने वाले लोग। तो ये इतनी खूबसूरत एक हमारा एक ताल्लुक है। अब इस चीज को समझने की जरूरत है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हमने पैरवी करनी है, उनके रस्ते पर चलना है, तो दो बुनियादी तरीके हैं अपने पास नोट करने, उसके बाद हम हजरत इब्राहिम की कैरेक्टरिस्टिक्स की मजीद बात करेंगे। एक तो ये कि हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी किस एतबार से करनी है, दो तरीकों से करनी है। पहली बात है कि इताअत, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो इताअत के लिए एक ट्रेंड सेट किया है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की फरमाबरदारी के लिए, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ट्रेंड सेट किया है, हमें उस ट्रेंड को फॉलो करना है। कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिम का मतलब यही है, यही मतलब है कि हजरत इब्राहिम ने कैसी पैरवी की थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसी पैरवी की थी, उस तरह की इताअत की वही पैरवी करनी है। मिसाल के तौर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया वो सर झुकाते रहे, सर तस्लीम खम करते रहे, वो हर बात का इकरार करते रहे, मानते रहे, अमल करते रहे, बजा लाते रहे, हुक्म रब्बी के ऊपर सर झुकाते रहे। तो हमसे मुतालबा किया गया है कि मिल्लत की पैरवी इस तरह करनी है कि उनसे इताअत का कहा गया तो उन्होंने इताअत कर मतलब सुरखुरू हो गए, हत्ता कि अल्लाह ने उनको एक एजाज दे दिया कि हजरत इब्राहिम तुम आज से खलीलुल्लाह हो, तुम अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हो। और दूसरा जो मिल्लत की पैरवी हमने करनी है वो ये कि हजरत इब्राहिम का आजमाइशों के ऊपर क्या रद्द अमल था, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब आजमाइश देखे ना कि उनको आग में डाल दिया गया, आजमाइश उनको निकाल दिया गया इराक से, बाबिल के शहर से निकाल दिया गया, आजमाइश।
मिस्र में उनको आजमाया गया कि उनकी बीवी को फिरौन उनको लेके, उस दौर का जो फिरौन था, मिस्र का जो बादशाह था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी को जबरदस्ती उनसे जुदा करके उस बादशाह के पास लेके जाया गया बुरी नीयत से। आजमाइश है, औलाद नहीं है, आजमाइश है। फिर औलाद हुई तो औलाद को खुद से दूर करने की आजमाइश, अल्लाह अकबर। उसके बाद जब वो बड़ी हो गई, चलने फिरने के काबिल हो गई, भाग दौड़ने के काबिल हो गई, उसको जबा करने की आजमाइश, अल्लाह अकबर। अब देखें ना कितनी आजमाइश है। उन आजमाइशों के ऊपर हजरत इब्राहिम का क्या रद्द अमल था। हमें भी हुक्म दिया गया है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो अल्लाह के जिसने मौत और हयात का सिलसिला चलाया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से खूबसूरत अमल कौन करता है। तो हमारे लिए इस खूबसूरती के मयार को पहुंचने के लिए हजरत इब्राहिम की जिंदगी को हमारे लिए मयार बनाया गया। कि हजरत इब्राहिम की जिंदगी में आजमाइश आई है तो वो तो सुरखुरू हुए, इतने सुरखुरू हुए। वइज तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्माहुन्ना, अल्लाह ताला खुद गवाही देते हैं, बताते हैं कि जब इब्राहिम को उसके रब ने आजमाया, उसका इम्तिहान लिया, मुख्तलिफ चीजों से आजमाया, तो हर चीज में वो कामयाब हो गए, वो सुरखुरू हो गए, वो जीत गए, हर आजमाइश पर खरे साबित हुए। तो अल्लाह ताला ने इस आजमाइश के बाद क्या फरमाया, قال انی جاعلک للناس اماما, इब्राहिम आज के बाद मैं तुम्हें मनसब इमामत पर फाइज करता हूं, आज के बाद तुम लीडर हो। तो हजरत इब्राहिम उस वक्त भी उनको अपनी फिक्र नहीं थी, कहने लगे या अल्लाह व मिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मुझे तो आपने बना दिया, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी आल औलाद में भी या अल्लाह ये इमामत जारी कर दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला यनालु अहदिल ज़ालिमीन, ठीक है इब्राहिम जो नेक लोग होंगे मैं उनको इमामत दे दूंगा, लेकिन जालिमों के साथ मेरा कोई वादा नहीं। तो आज हमारे ऊपर छोटी छोटी आजमाइशें आती हैं, छोटी छोटी आजमाइशें होती हैं, लेकिन हम नाराज हो जाते हैं, हम सब्र नहीं कर पाते, हम शक में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, आजमाइश या मुसीबत ये आसान नहीं होता इनको उठाना, इनको बर्दाश्त करना, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है अगर हम इब्राहिमी हैं, अगर हम मोहम्मदी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखें कि उनका क्या रद्द अमल था और उनकी आजमाइश किस दर्जे की थी, किस लेवल की थी। यानी अगर आज कोई शख्स सिर्फ इस वजह से खुद परेशान है कि उसको छोटी सी बीमारी है या उसका छोटा सा काम नहीं हुआ, वो इस वजह से परेशान है और वो शुकूक और शुबहात में चला जाता है, तो ये फिर सोचने वाली बात है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ इतना मजबूत कनेक्शन होने के बावजूद हमारा ये रद्द अमल नहीं होना चाहिए। वह बहरहाल, तो आगे हम देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उनकी बहुत सारी खूबियां गिनवाई है, बहुत सारी खूबियां हजरत इब्राहिम की। मिसाल के तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो शिर्क, जो शिर्क इस उम्मत का सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह कि अल्लाह ताला को, जो अल्लाह ताला की जाती और सिफाती खूबियां और कमालात हैं, उन कमालात में इंसानों को, जिन्नात को, मखलूकात को शामिल करना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी नहीं किया, खड़े हो गए, वो बरसरे पेकार हो गए, नमरूद के सामने खड़े हो गए, खड़े हो गए कि रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, अल्लाह मेरा रब तो वो है जो पैदा भी करता है, मौत भी देता है। कहने लगा मैं भी पैदा करता हूँ, मौत देता हूँ, नमरूद ने कहा। और एक शख्स की सजाए मौत की सजा लिखी हुई थी, उसको छोड़ दिया और दूसरे एक बेगुनाह शख्स को कत्ल कर दिया। कहा ये तो मेरे पास भी इख्तियार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इसका प्रॉब्लम कुछ और है। कहा मेरा रब तो वो है, याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक फाती बिहा मिनल मगरिब, जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है तुम मगरिब से तुलू करके दिखाओ। फबोहित अल्लज़ी कफर, तो तौहीद के लिए लड़ने वाले, इतना रिस्क लिया कि उनके भूतों को ही तोड़ डाला, उनके दिलों में अपने तारे, तारों के बारे में, चांद के बारे में, सूरज के बारे में शुबहात पैदा की, ये सारी चीजें की, और कहा कि इन भूतों के बारे में पूछो ना, अगर ये टूट गए तो इनके बड़े ने इनको तोड़ दिया होगा और आग में डाल दिए गए, आग में डाल दिए, और अल्लाह ने वहां से बचाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई शख्स तौहीद के लिए, अल्लाह के लिए, देखें हमारा, चूंकि हम कलमा, हम अक्सर, हम में से अक्सर
हम मुसलमान पैदा हुए हैं, मुसलमानों के घरानों में पैदा हुए हैं, हमने कलमे के लिए वो सेक्रीफाइस नहीं किया जो वो लोग करते हैं कि जो पैदाइशी मुसलमान नहीं होते, बाद में अल्लाह ताला उनको जब वो शऊर की दहलीज पर कदम रखते हैं, अल्लाह उनको तौफीक देता है, उनका सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा है, उनकी कुर्बानी बहुत ज्यादा है, हमारे अंदर वो तड़प वो नहीं है। अब देखिए ना कि 30-30, 40-40, 50-50 साल गुजर जाते हैं, कलमे के लिए वो जो एक एनर्जी चाहिए होती है कलमे के साथ, कलमे की हिफाजत के लिए, कलमे का ख्याल रखने के लिए, एक देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसकी वर्थ को समझना बहुत मुश्किल काम है। तभी तो मुशरिकीन मक्का नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ने में क्या था उनको, उनको पता था अगर पढ़ लिया फिर बाकी सब कुछ पीछे, फिर अल्लाह सबसे ऊपर रहेगा। हमारा मसला ये कि कलमा पढ़ने के बाद भी उसके एसेंस को समझने से कासिर है। अब देखें यही कलमा जब मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में जादूगरों ने पढ़ा तो अभी कुछ घंटे ही गुजरे थे, वो जान देने के लिए तैयार हो गए थे, फिरौन के सामने खड़े हो गए, और फिरौन का सबको पता था ये गुस्से में आके जिसम में कील टोकता है, मार देता है, हाथ पांव काट देता है, गुस्से का तेज है। अल्लाह ने उसके गुस्से की तेजी का जिक्र किया है, वो फिरौन अज़िल औताद, जिसम में कील टोंकने वाला फिरौन, तो दुश्मन से इंतकाम लेने पर आए तो वो ऐसा इंतकाम ले कि दुश्मन को सख्त से सख्त सजा देने वाला फिरौन, जिसका गुस्सा खत्म ही नहीं होता माजरत, लेकिन उसके बावजूद कलमे के लिए खड़े हो गए, और फिरौन ने धमकी दी मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा आगे पीछे से, तुमने कहा ला ज़ाहिर, फिरौन तुम्हारा जो दिल में आए करो, इन्ना इला रब्बिना राजिऊन, हम अपने रब की तरफ जाने वाले हैं, हम तुमसे नहीं डरते तुम्हारी धमकियों से। अस्हाबे उखदूद, वो लड़का जिसको वक्त के बादशाह ने उसके बताए हुए तरीके पर अल्लाह का नाम लेकर कत्ल किया, बिस्मे रब्बी हाज़र गुलाम, तीर छोड़ा, तीर सीने के आर पार हो गया और वो लड़का शहीद हो गया, और ये हालत देखकर वो बस्ती के सारे लोग मुसलमान हो गए। और फिर पता क्या हुआ, उस बस्ती के तमाम लोगों को बड़े बड़े घड़े कोद कर उनमें आग जलाई गई तेज किस्म की, उन सबको आग में डाल दिया गया। क्यों, गलती क्या थी, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद के लिए, तो वो चंद घंटों के मुसलमान कलमे के लिए जान देने के लिए तैयार है, और हमारा आज का मुसलमान भाई बहन वो नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, वो सुन्नत के मुताबिक चेहरा बनाने के लिए तैयार नहीं है, वो सुन्नत के मुताबिक हिजाब लगाने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी जुबान की हिफाजत करने के लिए, आंखों की हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं है। तो फर्क है ना, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो फ्रेमवर्क था, जो उनका लाइफ स्टाइल था, उससे हमें पता चलता है मिल्लत इब्राहिमी हमें यह सिखाती है तौहीद के लिए गैरत चाहिए होती, अल्लाह के साथ अगर कनेक्शन बनाना है तो फिर ये सब कुछ करना पड़ेगा, अल्लाह की अहकामात को बजा लाना पड़ेगा, फिर अल्लाह वाला अगर बनना है तो वो फिर तन्हाई खूबसूरत करनी पड़ेगी, मतलब कलमा पढ़ने के बावजूद तन्हाई में गुनाह है तो कैसा कलमा है, तो कलमा इतना बेहसर हो सकता है कि कलमा पढ़ता हूँ और चुप चुप के मोबाइल में गलत चीजें देखता हूँ, कुछ तो एहसास, कुछ तो लाज कलमे की होनी चाहिए। दूसरी बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर सब्र बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा सब्र। अब देखेंगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जिक्र किया, फसबिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, उलुल अज़्म रसूलों में से इब्राहिम सरे फहरिस्त हैं, उनको मयार बनाया कि सबर करना अगर सीखना है तो फिर इब्राहिम से सीखो। अल्लाह, तीसरी चीज, उन्होंने इताअत का पूरा हक अदा कर दिया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम के जिसने फरमाबरदारी का हक अदा कर दिया। इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उनके बारे में फरमाते हैं कि इतने हम्बल थे इब्राहिम, इतने हम्बल, अब अंदाजा लगाएं खलीलुल्लाह है, ऐसे नबी हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी औलाद से बाकी के सारे अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को पैदा किए, दुआएं मांगा करते थे, तो अब अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन इब्राहिम अला हलीमुन अवाहुन मुनीब, इब्राहिम तो वो थे कि जो बहुत ज्यादा हलीम थे, यानी रहम खाने वाले, रहीम थे, इसी तरह दूसरों को माफ करने वाला, दरगुजर करने वाला, इसी तरह अवाहुन, अल्लाह की तरफ बार बार, अवाह कहते हैं जिक्र करना, इस्तिग़फ़ार करने वाले थे, जिक्र करना, दुआएं करने वाला, और तीसरा मुनीब, अल्लाह की तरफ बार बार रुजू करने वाला,
यानी अल्लाह की मोहब्बत की वजह से बार बार अल्लाह के पास, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला, इबादत करने वाला, मुनाजात करने वाला, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्वालिटी थी। अब देखेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब अल्लाह का तारुफ करवाते हैं तो उनकी आजिज़ी देखें, कि वो कहते हैं मेरा रब तो वो है जो पैदा करता है, जो मौत देता है, जब मैं बीमार होता हूँ मुझे शिफा देता है, वो मुझे खाना खिलाता है, और मुझे उम्मीद है कि वो रब जब मैं जाऊंगा क्यामत के दिन तो मुझे जन्नत, मुझे माफ कर देंगे, मुझे जन्नत में दाखिल कर देंगे। अल्लाह इतने हम्बल। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से खाना काबा की सर नो तामीर करवाई है, छोटी बात नहीं है, मतलब ये इतनी बड़ी प्लानिंग थी कि इसके लिए नन्हे इस्माइल को सालों पहले मक्का की उस बेआबो गया जमीन में छोड़ दिया गया। अल्लाह अकबर, इतनी इतना बड़ा प्रोजेक्ट था और इसके लिए इतनी पहले से प्लानिंग की गई थी। और जब वो जवान हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो हजरत इब्राहिम को भेजा गया कि आप जाएं उनके साथ मिलकर वो खाना काबा की तामीर करें। इतना बड़ा काम, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए किसी आम इंसान की जिम्मेदारी नहीं लगाई, खलीलुल्लाह की जिम्मेदारी लगी है, ज़बीहुल्लाह की जिम्मेदारी लगी है अलैहिस्सलाम। तो इतना बड़ा काम करने के बाद हम तो अगर बस एक, अगर हमने कोई लाख डेढ़ लाख का बकरा जबा कर दिया तो हमारे कंधे नहीं नीचे होते। हमें अगर कोई अल्लाह ताला ने कोई मौका दिया नेकी करने का, किसी नेकी को आगे बढ़ाने का, अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हम कोई इदारा चला रहे हैं या हम कोई वेलफेयर का काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी को वॉलंटियर कर रहे हैं और किसी कोर्स का हिस्सा है, इवन हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि मैं कुछ तो कर रहा हूं ना, कुछ तो कर रहा हूं। तो इतने बड़े नबी अल्लाह के उलुल अज़्म रसूलों में से इतना बड़ा काम करने के बाद कहते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए हमारे रब अब जो आपने तौफीक दे दी ना इसको कबूल भी फरमा लेना, तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना, मैं माफ भी कर देता। तो बड़े कामों के बाद ज्यादा आजिज़ी होनी चाहिए, हमारे यहाँ छोटे कामों के बाद इंसान ज्यादा फख्र में चला जाता है। और ये एक अल्लाह वाले बंदे को पहचानने का अंदाज यही है कि वो बड़ा काम करता है और नजर नहीं आता, वो काम लगता नहीं है, वो रहता ऐसे है ना आजिज़ी के साथ, लगता ही नहीं है कि ये कुछ कर रहा है। तो तीसरी चीज जो अगली क्वालिटी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाते हैं इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन, इब्राहिम उम्मत थे। उम्मत की बहुत सारी तारीफें हैं लेकिन एक खूबसूरत तारीफ ये है कि उम्मत कहते, उम्मत लफ्ज निकला इमाम से, तो हुवल इमामुल जामिउल खिसाल लिखिसालिल खैर अल्लज़ी युक्तदा बिही, यानी वो शख्स के जिसमें वो तमाम खूबियां जमा हो जाएं जो एक पूरी उम्मत में हो, उसको उम्मत कहते हैं। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कमालात में, अपनी शख्सी खूबसूरती में, उनके अंदर जो ट्रेट्स थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो कमालात थे, जो खूबियां थी, जो क्वालिटीज थी, वो इतनी थी अकेले में जो एक उम्मत में हो सकती। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उनको उम्मत कहा है। अल्लाह अकबर। इसी तरह कानितन लिल्लाह यानी खाशियन लिल्लाह मुतीअन, अल्लाह की इताअत करते थे और आजिज़ी के साथ, खुशू और खुशू के साथ अल्लाह की फरमाबरदारी में लगे रहते थे। हनीफन फोकस्ड। मेरा और आपका ब्रदर्स एंड सिस्टर एक मसला है कि इस दौर में, इस तेज रफ्तार मशीनी दौर में हमारा फोकस नहीं रह पाता, हम लोग फोकस लूज कर देते हैं, फोकस होना चाहिए। हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी थी, उनका स्पेशल उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो फोकस थे। तो यह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खूबियां हैं। तो अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं कामयाब हो जाऊं, बहुत सारे पहलू हैं। मैंने आपको अपनी आज की गुफ्तगू के शुरू में कहा कि मैं सोच रहा था कि मैं क्या क्या चीजें छोड़ूं, क्योंकि अगर हम दावत के पहलू के ऊपर बात करते हैं तो अगर दावत उन्होंने दी तो इस कमाल की दी है कि उस पर पूरा का पूरा PhD हो सकता है, लिटरली PhD और लोगों ने किए कि किस तरीके से उन्होंने हजरत इब्राहिम, मैं आपको एक मिसाल देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो किस पाए की शख्सियत थे। मिसाल के तौर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने जो वालिद को दावत दी, तो उनके वालिद सिर्फ, अच्छा उनके वालिद का बुतों के साथ जो ताल्लुक था वो सिर्फ जज्बाती वाबस्तगी का नहीं था, इसको समझे, ये आपको नई बात लगेगी इंशाल्लाह। उनका ताल्लुक सिर्फ ये नहीं था कि वो बस बुतों की इबादत करते थे, उनकी रोजी भी बुतों से लगी हुई थी, मतलब
वहां पर सिर्फ इमोशंस नहीं थे, एसोसिएशन नहीं था इमोशनल एसोसिएशन, बल्कि वहां पर इकोनॉमिकल एसोसिएशन भी था, माशी वाबस्तगी भी थी। तो उस वक्त वालिद को इस चीज की दावत है ना, किसी की रिस्क पे लात मारना, आप किसी को, हर आदमी सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कोई शख्स ये नहीं चाहता कि मेरा, मेरी रोजी जहां लगी हुई है वो डिस्टर्ब हो। तो डबल चैलेंज था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। तो उन्होंने अपने वालिद से जो बात की है, इस पर इमाम राजी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वो कहते हैं कि जान लें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से चार तरीकों से बात की है। पहला तरीका तो ये है कि उन्होंने कहा अपने वालिद से कि अब्बा जान लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युग्नि अनका शैया, ऐसे ऐसे माबूद की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनते हैं ना देखते हैं ना आपको नफा पहुंचाते हैं। तो ये तीन बुनियादी सिफात बताई उनको कि जो ना देखते हैं ना सुनते हैं और ना आपको नफा पहुंचाते हैं। फिर दूसरा ये बताया कि अब्बा जान अल्लाह ताला ने मेरे पास इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, आप मेरी पैरवी करें ताकि मैं आपको सीधे रास्ते पर चला सकूं, आपकी मदद कर सकूं। आप देखें इन तमाम चीजों में सोचने का, इन तमाम चीजों में एक वालिद और बेटे का एहतराम का रिश्ता भी है कि बेटा बाप के लिए परेशान हो रहा है और वो बाप को ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का कह रहा है, मतलब वो थिंक थिंक पर मजबूर कर रहा है कि अब्बा जान, तो बहुत बुनियादी बात है, कम अज कम माबूद सुने तो, देखे तो सही वो हमारे हालात, कुछ तो नफा दे। इसी तरह तीसरी चीज ये कही कि ए अब्बा जान ला ताबुद शैतान इन शैतान कान लिर्रहमान असिया, शैतान के रास्ते पे नफरत दिलाने के लिए, शैतान का रास्ता है, शैतान के रास्ते पे ना चले। और चौथी बात यह कि या बतीन खाफो अय्या मस्तक अज़ाब मिनर रहमान, अपनी मोहब्बत अपनी तड़प और अपनी अपनी परेशानी जाहिर की, अब्बा जान मुझे बड़ा दुख होगा, अल्लाह ना करे कि आपको अल्लाह का अलग तरफ से अजाब मिले, मुझे बड़ी तकलीफ होगी अब्बा जान, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और बड़ी खूबसूरत बात है, अमूमन हमारे यहाँ जब लोग गुनाह करते हैं ना तो उनके पास सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन ये होती है कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला रहमान है, माफ करने वाला है। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने यहाँ पर लफ्ज़ अज़ाब का जिक्र सिफत रहमान के साथ किया है, सिफत रहमान के साथ, या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमान। हजरत इब्राहिम ने कहा अब्बा जान मुझे ये खौफ है कि कहीं रहमान यानी अल्लाह का अजाब आपको छू ना ले। तो अगर जो हस्ती रहमान है, जरूरी नहीं है कि फिर वो अपने उसूल बदल लेगा। जो लोग अपने आप को जानबूझ कर अजाब का मुस्तहिक बनाते हैं तो वो रहमान होने के बावजूद वो अजाब देगा, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी मुजरिमीन को और मुस्लिमीन को एक साथ उनको उनको उनका हिसाब किताब एक जैसा नहीं होगा। तो ये देखिए, ये उनके दावती तरीकाकार देखे, औलाद की तरबियत का तरीकाकार बहुत खूबसूरत है। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बतौर बेटा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस तरीके से उन्होंने एक कैरेक्टर बिल्डिंग की है, कैरेक्टर बिल्डिंग, और किस तरीके से कामयाबियां समेटी है। मिसाल के तौर पर मैं एक चीज आपके साथ शेयर करता हूँ, ये आखिरी में कुछ बातें करूंगा। मैं एक चीज देख रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, अगर हम उनका पूरा फ्रेमवर्क किसी को पढ़ाएं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का फ्रेमवर्क अगर हम किसी को पढ़ाएं तो वो क्या चीजें, बुनियादी चीजें क्या थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, कि जो हम बता सकते हैं कि भाई तुम ये हजरत इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करो, हम किसी को कहें तो हम उनको अगर स्टेप बाय स्टेप चलने का कहें तो हम क्या कह सकते हैं। तो मैं ढूंढ रहा था तो कुछ चीजें मैंने जमा की हैं। पहली बात यह कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फाउंडेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फाउंडेशन क्या थी, आप में से कोई बताएगा मुझे फाउंडेशन, थोड़ा अपने मौजूदगी का इजहार करें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो फाउंडेशन थी, बंदगी की फाउंडेशन थी, वो क्या थी, उनका फेथ, उनका बिलीफ सिस्टम क्या था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। तौहीद, गुड, वेरी गुड, एक तौहीद था और एक और भी था, तवक्कुल, रिलायंस ऑन अल्लाह सुभान व तआला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऑलवेज यूज्ड टू पुट हिज ट्रस्ट ऑन अल्लाह सुभान व तआला, हमेशा तवक्कुल, आग में डाले गए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमेशा रुजू करते थे। उनकी बीवी को उनसे छीना गया और मिस्र के अंदर फिरौन के पास ले जाया गया, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे, रुजू कर रहे अल्लाह की तरफ, ऑप्शन कोई नहीं था। तो ये बहुत बुनियादी बात है।
अगर हम हजरत इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करना चाहते हैं, हम कामयाब होना चाहते हैं, तो हमारी फाउंडेशन क्या होनी चाहिए? हमारी फाउंडेशन तौहीद होनी चाहिए, हमारी फाउंडेशन तवक्कुल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर हमारी फाउंडेशन में तौहीद नहीं है, तवक्कुल नहीं है, जुबानी नहीं अमली, और अमली को चेक करने का मतलब यह है कि जब मुसीबत आती है, सदमा आता है, तो पहली तवज्जो, पहला सॉल्यूशन क्या नजर आता है? अगर पहला सॉल्यूशन अल्लाह है तो फिर कंग्रेचुलेशन, आपके लिए बहुत मुबारकबाद। लेकिन अगर पहली तवज्जो और पहला सॉल्यूशन कुछ और नजर आ रहा है, अल्लाह याद ही बाद में आ रहा है, सब कुछ करने के बाद फिर अल्लाह याद आ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर ये मिल्लत इब्राहिमी नहीं है। इसी तरह के हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोर वैल्यूज क्या थे, यानी उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तीन बुनियादी चीजें जो आप नोट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। पहली चीज है पेशेंस, दूसरी चीज है ओबीडियंस, तीसरी चीज है ह्यूमिलिटी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबर के पे करते, इताअत के पे करते और आजजी के पे करते, ये उनकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट के जो कोर वैल्यूज थे, कोर वैल्यूज, अल्लाह अकबर, ये होने चाहिए। हमारे पास सब कुछ हो फिर भी हमारे अंदर आजजी हो, आजमाइश आए हम सबर करने वाले बन जाए, अल्लाह का हुक्म आए हम इताअत करने वाले बन जाए। यानी एक हुक्म पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जबर करने के लिए तैयार हो गए, अल्लाह अकबर। सबर करने, देखिए सबर कैसे करना, सबर दे, अल्लाह सबर की इंतहा। फिर आजजी देखें, इतना कुछ होने के बावजूद भी, खलीलुल्लाह होने के बावजूद आजजी, तो हमारी कोर वैल्यूज होने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम उसी तरह जिंदगी गुजारें जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुजारी। तीसरी चीज ये है कि हमारा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन था, इसको हम एक्शन कहते हैं, जो उनका बिहेवियर था, जो उनका जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो एक रवैया था, एक सुलूक था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बर्ताव था, वो क्या था, वो कैसी शख्सियत थे, अमली तौर पर क्या करते थे, वो जिसको हम कहते हैं सखावत, सखी थे, खर्च करने वाले थे, जेनरस थे, जेनरसिटी थी उनके अंदर। ये मैनिफेस्टेशन होती है, याद रखिएगा, किसी शख्स के अंदर का हाल अगर मालूम करना है कि कैसी पर्सनैलिटी है, तो उसकी जेनरसिटी चेक करें कि वो खर्च करने वाला है। जेनरसिटी बहुत ज्यादा थी, मेहमान नवाजी थी, अल्लाह अकबर, मेहमान नवाजी। यानी जब फरिश्ते आए ना, तो अपनी बीवी सारा के पास जाके कहते हैं कि अब मतलब खजूर और पानी पे गुजारा ना करें, कुछ कुछ भून के दे, सही मेहमान नवाजी, अल्लाह अकबर। इसी तरह सेक्रीफाइस, कुर्बानी, बहुत बड़ी बात है। इस साल हमारे यहां नहीं है, इस साल हमारे हमारी मर्जी होती है, हम अगर रोड पर हैं तो सबसे आगे हम जाएं, हम अगर किसी लाइन में लगे हुए तो लाइन तोड़कर हम आगे जाएं, कोई अगर हमें शॉपिंग करनी है तो हम इम्तियाज मार्केट में, चेजअप में और चेज वैल्यू में सबसे पहले अगले बंदे की ट्रॉली पीछे हो जाए और हम आगे आ जाए। एयरपोर्ट पे अगर किसी का सामान ज्यादा है, हमें इंतजार नहीं होता, तो हम कहते हैं हमें जाने दो, ठीक है इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन सबर नहीं है, ईसार होना चाहिए कि नहीं, पहले आप करें ना भाई, आप करें बहन, आप कर लें को मसला। इसी तरह मुसलसल दावत देते रहे, ये उनके प्रैक्टिकल स्टेप्स थे, मुसलसल दावत देते रहे, अल्लाह शुरू से लेकर आखिर तक दावत देते रहे। हमें दाई बनना है, किरदार बनाने के बाद फिर हम दावत दें। इसी तरह एक और चीज कि उनकी जो रिलेशनशिप या उनका जो लीडरशिप स्टाइल था या जो एक सोशल एंड कम्युनिटी उनके एस्पेक्ट्स थे, हमारे होने चाहिए। हमारे यहाँ कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग अपने आप में गुम होते हैं, कुछ लोग जरा मुआशरे में उनके यार दोस्त हल्का अहबाब होता है, बातचीत करना पसंद करते हैं, रिलेशनशिप होने चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से फरमाया कि अल मुमिनु लजी युखालितु अन्नास व यसबिरु अला अज़ाहुम खैरु मिन अल्लजी ला युखालितु अन्नास व ला यसबिरु अला अज़ाहुम। वो मुसलमान के जो लोगों में घुलता मिलता है, सोशलाइज होता है और उसके बाद वो सबर करता है, क्योंकि जब बंदा सोशलाइज होता है तो मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ किस्म का मिजाज, तो हो सकता है कि वो हर्ट हो किसी की बात से, उसको तकलीफ हो, तो वो घुलता मिलता है, फिर सबर करता है लोगों के रवैयों के ऊपर, बेहतर है, ज्यादा बेहतर है ये उस शख्स से कि जो बस तने तनहा अकेले रहता है,
इंट्रोवर्ट, बस सोशलाइज नहीं होता, लोगों में घुलता मिलता नहीं। अच्छा, इसका फायदा है जो घुलने मिलने वाला आदमी होता है ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाता, उसको फिर काउंसलिंग लेने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये सारी चीजें चाय के ढाबों पर ही हो जाती है। ठीक है, मतलब हमारे अगर सिस्टर्स हैं तो वो जो सोशल गैदरिंग्स में ही सारी चीजें हो जाती हैं, जो बात करनी होती है कर लेते हैं, जो सुननी होती है सुन लेते हैं, मसला हल हो जाता है। जो तन्हाई पसंद लोग होते हैं फिर उनको जरा काउंसलर्स की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की देखिए फैमिली के साथ कितनी मजबूत बॉन्डिंग थी, अल्लाह अकबर, इतनी मजबूत बॉन्डिंग के आप अंदाजा लगाएं कि वो हिजरत कर रहे हैं तो सारा अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत कर रही है। अच्छा, अगर वो हजरत बीबी अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम को वो एक मक्का की जमीन में खुश्क जमीन में छोड़कर आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा एहतजाज करने के बाद कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं तो क्या ये अल्लाह का हुक्म है, तो हजरत इब्राहिम ने कहा अल्लाह का हुक्म है, तो कहने लगे फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। तो एक चीज तो ये है कि स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग कितनी जबरदस्त थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, कि छोटा बेटा क्या उसकी कॉन्शियस होंगे, बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं आपको ज़बह कर रहा हूँ, अब्बा जान आप जो आपको डू व्हाट यू हैव बीन कमांडेड और इंशाल्लाह मुझे सबर करने वालों में से पाएंगे। ये ऐसे ताल्लुक नहीं बन जाता कि अब्बा कमरे से नहीं निकल रहा, अम्मा का फेसबुक नहीं छूट रहा, बच्चों के साथ फिर वो कनेक्शन कैसे बनेगा, रिलेशनशिप कैसे बनेगा। मजबूत कनेक्शन बनाने के लिए फैमिली को क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा, और ये सबके लिए। अगर नहीं सुनते हम लोग, नहीं उनको क्वालिटी टाइम देते, ये वाला टाइम कोई टाइम नहीं है कि मैं उस काम में भी लगा हूं, अपने लैपटॉप में भी लगा हुआ हूं और बच्चे को ये जाहिर कर रहा हूं कि बेटा मैं आपको सुन रहा हूं, बच्चे सब समझते हैं, तो पूरी तवज्जो चाहिए, सब कुछ बंद कर दें बच्चे को प्रॉपर टाइम, ठीक है, और मियां बीवी आपस में प्रॉपर टाइम दें एक दूसरे को, फिर इसका फायदा होगा इंशाल्लाह। तो लीडिंग बाई एग्जाम्पल, सिर्फ उन्होंने बोल के नहीं किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अमली तौर पर करके दिखाया। और तीसरी चीज ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबके साथ उनकी कुर्बत थी, मतलब एक्सेसिबल थे, लोग उनको एक्सेस कर सकते थे, मतलब इतने बूढ़े होने के बावजूद वो आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, हजरत इस्माइल से मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो सीखनी है हमने। और चौथी बात यह है कि उनका जो विजडम था, विजडम यानी जो उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ थी, आप देखें ना कि वो किस तरीके से रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते थे, यानी आप अंदाजा लगाएं कि जो सूरज चांद सितारों की इबादत करने वाले थे उनको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन किस तरीके से उनका रद्द किया। डायरेक्ट रद्द नहीं किया कि नहीं सूरज कैसे रब हो सकता है, चांद कैसे रब हो सकते हैं, सितारे कैसे रब हो सकते हैं। सबसे पहले कहा कि चलो ठीक है, ये जो तारे को देखा गया ये मेरा रब है, तो उन्होंने देखा कि अच्छा इब्राहिम, क्योंकि कंफ्यूजन था कि इब्राहिम किसी को तो रब माने, बुतों को तो ये नहीं मान रहा, चलो अच्छा है कि सितारे को बिलाकर उन्होंने रब मान लिया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के जरिए कि इनको मैं इसी तरीके से समझा सकता हूँ, तो जो जब तारा गायब हो गया तो कहने लगा कि ये रब कैसे हो सकता है, उसकी कमजोरी बताई, चांद की कमजोरी बताई, सूरज की कमजोरी बताई, और लोगों को जो समझदार लोग थे उनको सोचने पर मजबूर कर दिया और जेन्युइन क्वेश्चन रेस किया। और बुतों की इबादत करने वाले जो थे, जब उनके बुतों को तोड़ा और जब वो वापस आए और उनको कहा कि तुम ये बड़े से पूछो ना इन्होंने बुत तोड़े होंगे, तो वो जवाब नहीं दे सके, उनके पास सिर्फ एक ही हल था कि हर रिकू इब्राहिम को आग में डाल दो और अपने बुतों की मदद करो। लॉजिकली रीजनिंग नहीं कर सके वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। तो ये ब्रेन स्ट्रोमिंग, ये थिंकिंग बहुत जरूरी है, हम लोग नहीं करते, हमारी जिंदगी स्पीड से जारी होती है, हम फौरन बस जो है ना वो फायर फाइटिंग करना चाह रहे होते हैं, हम सोचते नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की प्लानिंग बड़ी क्लास की, सोचते थे हर चीज के बारे में, सोचते टाइम ले सोचे। इसी तरह जो हमारे पास फाइनल चीज है वो ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो लेगेसी है ना, लेगेसी, वो हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स प्लान करते थे, लॉन्ग टर्म गोल्स। मिसाल के तौर पर उन्होंने क्या किया, ये अल्लाहु अकबर, खाना काबा की तामीर वाज अ लॉन्ग टर्म गोल, और उसका इंपैक्ट देखें कि आज लोग हज कर रहे हैं वहां पर, अल्लाहु अकबर, कल लोग अराफा के मैदान में होंगे, और किसने इसकी बुनियाद रखी, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ। इब्राहिम, खाना काबा बना दिया, अब आप ऐलान करें, आजान दें, लोगों को दावत दें कि लोगों
अल्लाह ताला का घर बन चुका है, आओ हज के लिए उमरे के लिए। इब्राहिम कहने लगे अल्लाह मेरी आवाज कहां तक पहुंचेगी, मेरी आवाज तो बहुत कम लोग सुनेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम अजान देना तुम्हारी जिम्मेदारी, लोगों तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। अल्लाह, आज भी लोग जा रहे हैं हज पे लोग पहुंचे हुए लाखों की तादाद में, पूरा साल उमरा होता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हम लोग छोटी मोटी छोटी मोटी कोशिशें कर रहे होते हैं, बस फटाफट हो जाए, फटाफट हो जाए, नहीं प्लान करें। नन्हे इस्माइल को वहां छोड़कर आए थे, सालों की प्लानिंग थी, ऐसे नहीं। तो हमारी प्लानिंग हजरत इब्राहिम की लेगेसी से हमें ये सीखना है कि हमने भरपूर तरीके से प्लान करना है, बीज लगाना है, उसके दरख्त बनने का इंतजार करना है, फिर हम हों या ना हों वो दरख्त इंशाल्लाह वो पायदार होगा, वो फायदा देगा, फायदा देगा। इसी तरह आप देखें ना कि उनकी वो अपनी औलाद के लिए दुआ मांग रहे हैं, उनको उनको पता था मैं फौत हो जाऊंगा, अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुम इमाम हो, कहा अल्लाह मेरे बच्चे को भी इमामत दे दे ताकि खैर का सिलसिला चलता रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उन्होंने 2000 साल पहले मांगी थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, ए अल्लाह इनमें एक ऐसा रसूल भेज मेरी जो आपकी आयात की तिलावत करता रहे। 2000 साल बाद अल्लाह ने दुआ कबूल की है, ये होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत, जिनके चंद चंक्स मैंने आपको बताए हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको लाजमी एक किताब जरूर पढ़िएगा उनकी पूरी सीरत के ऊपर, क्रॉनिकल और जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके ऊपर एक तरतीब के साथ पूरी किताब पढ़े इनकी सीरत को, आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और मेरी बात यहाँ तक मुकम्मल हो जाती है। इनकी आप इनको अनम्यूट कर सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट होकर क्वेश्चन कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, मेरी तरफ से मेरी बात मुकम्मल हो चुकी है। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।